गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, रात को फेरे होने से पहले ही डोज ऑफ हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। शायद विदाई भी हो गई है, अब हम उठे हैं ब्रेकफास्ट के टाइम। तो आएगी नेहल फेरा डालने यहीं पे, अगर मिलेगी तो देखेंगे। और लेकिन फिलहाल के लिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर बताएंगे कैसी नींद आई और कब निकलना है, कब चेकआउट करना है। बट वेडिंग इज ओवर नाउ। तो लगेज हमारा जा चुका है, टाइम टू साइन। इसकी बास्केट लेकर रो रही है, देख। चलो चलो, आपका सामान ले गए अंकल। बोलो अंकल को बोलो। इस आदमी की वजह से मैंने कल साड़ी पहनी है, इसने सब ब्लंडर करा ना। इस आदमी की वजह से मैंने कल साड़ी पहनी है, तो मैं आपको बताऊंगी इसने क्या काम किया। तो चलिए फिलहाल हम जा रहे हैं घूमने कहीं और। ये हम लोगों ने कर दिया चेकआउट, लेकिन सामान अपना वहीं छोड़ा हुआ है। अरे शूज उतारने हैं क्या? अरे रुको रुको, वो लोग वहाँ हैं और हम लोग आए हैं ये सोनी जी की नसियाँ देखने के लिए। आई डोंट नो ये क्या है, कुछ मॉन्यूमेंट टाइप है, अभी देखते हैं चल के। वो लोग शिकंजियाँ पी रहे हैं वहाँ खड़े होकर। भाई इनका बिजनेस नहीं ख़त्म होता, इनकी शरारतें नहीं ख़त्म होती। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ मॉन्यूमेंट है, कुछ पता नहीं क्या ले ली क्या, एंट्री ले ली। अरे कार्तिक यार, तो चलो जय जय कर रही मेरी बेटी। हाथ पूरे ऊपर करके पूरा 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 सो इस टेंपल में हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ हम पहले नीचे यहाँ पे थे, अब हम ऊपर आ गए हैं। मैंने एक्चुअली कुछ पढ़ नहीं पाई कि क्या है यहाँ पे, हनी बता देगा आपको बाद में। मैं काफ़ी पीछे हूँ और ये लोग जा चुके हैं। तो हम लोगों ने सोनी जी की रसिया देख लिया, ये किसी जैन धर्म से रिलेटेड कुछ म्यूज़ियम था जो कि हमने थोड़ा बहुत देखा, कोशिश करी समझने की, ज़्यादा नहीं समझ पाए क्योंकि कुछ ऐसे बातें थी जो सच में समझ नहीं आ रही। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट अकबर फोर्ट, और वो म्यूज़ियम भी है, वो दिखाएंगे आपको। आधे लोग जा चुके हैं, आधे लोग गाड़ी में पहुँच के आपको दिखाते हैं। सो हम लोग अब आ गए हैं अजमेर फोर्ट, इसको अकबर फोर्ट भी कहते हैं, आई गेस अकबर ने बनवाया होगा। और ये है इसका पार्किंग एरिया, मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, सब लोग बाहर हैं गेट के। अब यहाँ से देखते हैं एंट्री किस तरफ से है और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। मेरी बेटी तो माहिर है लोगों का सामान मारने में, ये देख लो सोलर में मजे से बैठी हुई है, और छोटा बच्चा बास्केट में। ये है क्या ज़्यादा? भाई 55 रुपीज़ की टिकट है एक जने की, और ये इनकी, हाँ इंडियंस की, बाकी हम फॉरेनर तो है नहीं, हमें पता नहीं है हमारा। और ये एंट्रेंस है, ये अकबर ने बनाया था, सन कौन सा सन है ये हिंदी पढ़ो आप, मुझे पता नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, आपको और भी सब कुछ दिखाएंगे। ये एंट्रेंस है, और ये देखो यहाँ पर छोटा सा गार्डन है, ये इनका शायद कोर्टयार्ड होगा। सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, देखते रहिएगा। मरने से थोड़े से पास है पानी। तो ये मेन एंट्रेंस के बाद हम लोग उस साइड गए थे पानी पीने के लिए, वहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है। और यहाँ पर है एंट्री, फर्स्ट एंट्री है, एंड ये है गैलरी। तो अंदर मुझे लगता है कुछ
इसका म्यूजियम टाइप होगा और कुछ पुरानी पिक्चर्स होंगी। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है ये सब चीज़ें ना खुदाई में निकली हुई चीज़ें हैं, ऐसा मैंने बाहर पढ़ा था और यहाँ भी लिखा था, जो कि 5000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी ये वाजेस और अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ये सब कुछ नो नीड, ये सब यहाँ पर है यार। ये भी कुछ होगा बट इन्होंने ना कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पर। काफ़ी बड़ा ये पॉट लग रहा है एक, बट आई डोंट नो क्या है, ये पॉट ही है, मतलब देखने से तो पॉट ही लग रहा है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स हैं, देखो ये देखो लिखा हुआ है हड़प्पन सील्स, देख सकते हो आप। उस समय जो ये अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते होंगे भाई, सही है, काफ़ी हिस्टोरिकल सी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, शिवाना को पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरे बच्चे का स्ट्रोलर मार लिया इसने। और यहाँ पर एक देखो इतना बड़ा पेड़ है, उसके नीचे ये कैनन पड़ा हुआ है। शिव और पार्वती जी की मूर्ति, ये सब एक्सकवेशन में निकला है। तो ये है दीवान ए खास, यानी इसको कोर्ट यार्ड होता होगा उस समय अकबर का। तो ये देख लेते हैं, अकबर जाके कह रहे हैं इसमें भी कुछ खुला हुआ है, अभी कमरा है एक आधा। ये तो ओरिजिनल शेप में हुआ यार अपनी। तो हम लोग होटल वापस आए थे घूम फिर के अपना लगेज लेने और कीर्ति उन्हों को ड्रॉप करने, तो हम निकल गए हैं वापस दिल्ली के लिए और शिवाना का बेड बिछ गया है और अभी 3:15 हो रहे हैं, अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। सो अभी 7:30 हो रहे हैं, हमने अभी आधा घंटा पहले ही जयपुर क्रॉस किया, आधा पौना घंटा पहले, और हम लोग अब रुक गए हैं होटल हाईवे किंग है यहाँ पे। सोच रहे हैं कुछ खा लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, फिर निकलेंगे आगे। हमें घर तक का टाइम दिखा रहा है रात को 12 बजे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और ये तो भाई दोनों सोते हुए हैं यहाँ तक, विशाली बीच में थोड़ा सा उठी थी, शिवाना तो लगातार सोती है ये यहाँ पर। ये क्रॉकरी की मार्केट लगी हुई है यहाँ पे भाई, इतनी सारी है, अच्छा बना रखा है कॉम्प्लेक्स तो इन्होंने, बेटा ये टच ना करे बस। नाइस, वेरी नाइस। हम लोगों ने लिया है चिली गार्लिक नूडल्स, क्योंकि शिवाना को बहुत पसंद है और शिवाना के डैडा को बहुत पसंद है। और हम लोग फर्स्ट टाइम रुके हैं इस होटल रेस्टोरेंट पे, तो मुझे तो टेस्टी लगी चाउमीन चिली गार्लिक नूडल्स। बाकी अभी एक दो चीज़ें और मंगाइए फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम कुछ खाने उतरे थे और यही होता है हर बार की तरह, दिखाती हूँ क्या, बॉल ले लो। शिवाना को मिल गया है अपना फेवरेट ट्रैम्पोलिन। मम्मा नहीं आ सकती, नो मम्मा, ओनली बेबीज, जाओ जंप एंड जंप, जंप एंड जंप, ये बॉल को जंप कराओ। शिवानु इधर देखो, क्या कर रहे हो भाई? शिवानु को पॉटी आ गई है। और शिवानु क्या कर रहे हो? हाईवे में जंगल के बीच में है, समझ लो। सो देखो हम लोग 12:30 पहुंच गए थे दिल्ली अपने घर पे डायरेक्ट, और अभी हो रहा है एक बज गए। ऑस्टू से मिल ले, ऑस्टू को तैयार कर लिया दुनिया भर का। शिट मैन, क्लोजेट में पानी फेंक दिया सारा मग्गे से। दिया क्या कर रहे हो बेटा, हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो इतना? पूरा क्लोजेट जल्दी इसको रखो वहां पे, चलो पूरा क्लोजेट फटाफट रखो उसको वहां पे। तो भाई आते ही बच्चे ने नुकसान तो कर दिया, हमने सोचा था कि अब नहा धो के सो जाएंगे, बट वो सब काम बढ़ा दिया। ऑलमोस्ट सारी अनपैकिंग मैंने कर दी है, सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया। अब बस हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल करेंगे तसल्ली से बातें, आप लोगों को सब बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या था क्या नहीं था। जिसने भी अभी तक हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं अजमेर के, ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।